तब मसीह यीशु ने उन्हें यह समझाने के उद्देश्य से कि हतोत्साहित हुए बिना निरंतर प्रार्थना करते रहना ही सही है, ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। किसी नगर में एक न्यायाधीश था। वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी को कुछ समझता था। उसी नगर में एक विधवा भी थी जो बार बार उस न्यायाधीश के पास आकर विनती करती थी कि उसे न्याय दिलाया जाए। कुछ समय तक तो वो न्यायाधीश उसे टालता रहा, किंतु फिर उसने मन में विचार किया, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना लोगों से प्रभावित होता हूँ, फिर भी ये विधवा आ आकर मेरी नाक में दम किए दे रही है। इसलिए उत्तम यही होगा कि मैं इसका न्याय कर ही दूं, कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम तो न करे। प्रभु ने आगे कहा, उस अधर्मी न्यायाधीश के शब्दों पर ध्यान दो कि उसने क्या कहा। तब क्या परमेश्वर अपने उन चुने हुओं का न्याय न करेंगे जो दिन रात उनके नाम की दोहाई दिया करते हैं? क्या वो उनके संबंध में देर करेंगे? सच मानो परमेश्वर बिना देर किए उनके पक्ष में सक्रिय हो जाएंगे। फिर भी क्या मनुष्य के पुत्र के पुनरागमन पर विश्वास बना रहेगा?